अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो है वो एक बहुत ही वायरल प्रोडक्ट के बारे में रिव्यू देने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारी वीडियोस देखी हैं, शॉर्ट्स में देखा है कि सब लोग जो है वो ट्राई कर रहे हैं। तो उस प्रोडक्ट का जो नाम है वो है कैप्सूल लिपस्टिक्स। ठीक है, ये आप देख रहे हो, छोटी छोटी सी है। तो अब इसमें किस तरह की शेड्स हैं, क्या इसका जो है क्वालिटी किस तरह की है, तो ये देखेंगे। ये आपको मार्केट से भी मिल जाएगी, और इसके अलावा आप इसको दराज से भी परचेज़ कर सकते हो, और ईबे से या किसी जगह से भी। ठीक है, आपको ये इजीली मिल जाएगी। तो आज हम इसका रिव्यू देंगे। और इसके अलावा मैंने एक बहुत ही कम प्राइस में जो है लिप ग्लॉस खरीदे थे, न्यूड शेड था सब, तो वो मुझे देखने में तो बहुत ज़्यादा अच्छे कलर्स लगे थे, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोग को वो भी दिखा दूँ। जो $1 शॉप होती है, आप वहाँ से भी उसको परचेज़ कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप फैसलाबाद में रहते हो तो आप झाल से भी ले सकते हो। ठीक है, किसी भी शॉप से आपको ईजिली मिल जाएगा। तो ये जो है इसका कोई ब्रांड नहीं है लिप ग्लॉस का, और बस ये है कि आपके बजट में सब चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, ये आप देखते अप्लाई करके आपको दिखा देती हूँ, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो जाए कि किस तरह की शेड है। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं जो इसका है आपको बता दूँ, इसका कोई नाम वगैरह किसी भी ब्रांड का नाम नहीं लिखा हुआ इस पर, सिर्फ जस्ट इन्होंने लिखा हुआ है कि ग्लॉस 3Q ब्यूटी, बस इस पर यही मेंशन किया है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। वाटरप्रूफ लिप ग्लॉस है, सॉफ्ट और मैट है। ठीक है, तो कोई शेड आपको मैंने बता दिया, इसका 4 नंबर है। अच्छा जी, तो इसका लिप ग्लो जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, मतलब फीलिंग बहुत अच्छी आ रही है इसकी, स्मेल बहुत ही ज़बरदस्त है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें, और आपको बहुत इजीली आपको कहीं से भी मिल जाएगा। पर आपने इसका जो नाम है वो ज़रा ज़हन में रखना है, इसका इस तरह से कुछ प्रिंट हुआ हुआ है, तो आप कहीं दिखा के स्क्रीन शॉट ले लो, और आप मार्केट से पता कर सकते हो। ठीक है, शेयर देख रहे हो कितना प्यारा है। अच्छा जी, तो मैं इसको बैटरी से साफ़ कर लेती हूँ, दूसरा शेड ट्राई करते हैं। अच्छा, काफ़ी पक्का लगा हुआ है, एकदम मर्जी होंड रगड़ लो, नहीं साफ होना। उसका जो दूसरा शेड है वो है किधर मेंशन किया हुआ है, 8 नंबर। ठीक है, फोकस कर लो,
ठीक है, 8 नंबर है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं। ये थोड़ा डार्क शेड में जा रहा है शायद। बहुत अच्छा कलर है, इसको मैं अभी भी साफ़ कर लूँ इससे पहले कि ये चिपक जाए मेरे फेस पे। इसको वैसे आप एज अ वो ब्लश ऑन भी इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि मैं तो अक्सर ऐसी करती हूँ जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती है तो मैं तो लिप ग्लॉस देती हूँ, वो लिप पे लगाना है और थोड़ा सा 2-3 डॉट्स चिक्स पे लगाए और आई पे एक एक ड्रॉप लगाया और उसके बाद इसको यूं यूं ब्लेंड किया हाथों से ही, बस चले जाना। जब बहुत ज़्यादा जल्दी होती फिर ऐसे काम होते हैं। ठीक है, अच्छा ये जो है जो डार्क वाला थोड़ा सा चिपचिप सा है तो उसके पास तो इसका भी एक हल है। हम इसके लिए ना थोड़ा सा पाउडर जो है, हम फेस पाउडर जो यूज़ करते हैं, लूज़ पाउडर यूज़ करते हैं, वो आप थोड़ा सा यहाँ लिप पे अप्लाई करके और उसके ऊपर टिश्यू जो है सिंपल वो आप लगा के और इसको यूँ करके रब करोगे तो वो ठीक हो जाएगा, जो आपकी चिपचिप है ना वो ख़त्म हो जाएगी। अच्छा जी, जो लास्ट वन है इसका जो शेड है 11 है, तो ये भी मैं आपको कहूँ ये बिल्कुल स्किनी सा शेड है। जिन लड़कियों को बहुत ज़्यादा ओवर मेकअप या पिंकी सा मेकअप करना भी पसंद नहीं है, मतलब बहुत लाइट मेकअप करना, तो आप लोग ये यूज़ कर सकते हो। बहुत अच्छे शेड्स हैं सब, स्पेशली लड़कियों के लिए। अपने हाथ पे भी ट्राई करके दिखाती हूँ, आप लोग देखना इसके शेड किस तरह के। हो सकता है कैमरा में इतना ज़्यादा वो कलर नहीं शो कर रहा हो, पर लेकिन एक्चुअल में जो है वो शेड बहुत ही ज़बरदस्त है। मुझे मिरर में बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, पता नहीं कैमरा में इस तरह क्यों नहीं नज़र आ रहा। सो लेट्स ट्राई। मेरी तरफ़ से जो है वो मिनी लिपस्टिक्स जो है, कैप्सूल लिपस्टिक्स, ये आपने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत बजट में है, आपको मिल सकती है कहीं से भी। और ये जो 3 लिप ग्लॉस हैं ये भी आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करनी है, बहुत ही ज़बरदस्त। इसकी जो है वो पिगमेंट जो है वो बहुत अच्छा है, बहुत सॉफ्ट आपको फील होता है होंठों पे, इस तरह नहीं लगता कि कुछ हमने कोई बोझ सा उठाया हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत ही सॉफ्ट और लाइट वेट लिप ग्लॉस है, आप ज़रूर ट्राई करना। और ये एक और चीज़ मैंने मंगवाई थी, आपको दिखाती हूँ कि मेरे दराज में बहुत ज़्यादा इस तरह गंद पड़ा रहता है, तो उसके लिए मैंने ये प्लास्टिक के ऑर्डर किए थे alize.com से। तो ये रैक बनाने के लिए, ये आप देख रहे हो जिस तरह मैंने वो बॉक्स बनाए हुए हैं, आप किसी भी अपने हिसाब से आप कर सकते हो। ये मेरा मेकअप ऐसे ही पड़ा रहता था, मतलब ऊपर नीचे फेंका हुआ, तो उसको मैंने किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया ये आप देख रहे हो। हर चीज़ आपकी बिल्कुल नज़र आ रही है क्लियरली, है कहाँ कौन सा चीज़ मतलब रखी हुई है, कोई मैस नहीं है दराज में। और ये जो दराज मैंने आपको पहले दिखाया था ब्रशेज वाला, उसका भी ये सारा साफ होके इस तरह से हर चीज़ डिवाइड हो गई है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताया करें, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।